ओम शांति। 12 दिसंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज के मुरली क्लास में। मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग। जो बाबा का ज्ञान है ब्रह्मा मुख के द्वारा हम बच्चों तक पहुंचा है, ज्ञान बाबा का और याद भी बाबा की। तो ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। कोई भी भूत अंदर ना हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। अब ज्ञान मिला कि हम विकारों में गिरकर दुखी हुए, देह भान में आए और देह के और 5 विकार आए, तो उन 5 विकारों को ही बाबा ने भूतों का नाम दिया है। भूत दुख देते हैं ना, कष्ट देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि ये जो भूत अंदर हैं, उन भूतों को निकालने के लिए आपको याद और ज्ञान दोनों चाहिए, है ना। याद से हमारे पाप विकर्म विनाश होंगे, जन्म जन्मांतर के कष्टों से हमें मुक्ति मिलेगी और हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो इसके लिए बाबा कहते हैं चलन भी फिर कैसी चाहिए, बहुत अच्छी रॉयल चाहिए। देवी देवताओं की चलन कैसी होती है ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। कोई भी भूत अंदर ना हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। प्रश्न है, सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थाई रह सकता है। बाबा ने मातेले सौतेले बच्चे कहा ना, और लगे बच्चे भी कहा, तो सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थाई रह सकता है। उत्तर में मीठे बाबा ने कहा, बाबा से हम डबल सिरताज विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। यह नशा सपूत बच्चों को ही स्थायी रह सकता है। बाबा पर निश्चय, बाबा पर भरोसा, बाबा बल है, बाबा से ही हमारे सर्व संबंध हैं। बाप आया है हमें दुखों से निकालने के लिए। तो बाबा को जब हम बुद्धि से सब कुछ तन मन धन से समर्पित कर देंगे, तभी तो फिर बाबा के सपूत बच्चे कहलाएंगे। बाबा के सरताज बच्चे तब बनेंगे जब आप विश्व अधिकारी कब बनेंगे, जब आप स्वकर्म इंद्रियों पर स्वराज्य करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब तो तभी संभव है जब तुम मुझे एक पर निश्चय करो, एक बल एक भरोसा। तो यह नशा सपूत बच्चों को ही स्थायी रह सकता है। परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो यह नशा नहीं रह सकता। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। इसलिए पहले भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारा। अब मन के द्वारा, मन के दरवाजे खटखटाने पर वो परमपिता परमात्मा मन के द्वारा ही हमारे अंदर आता है। अंतरात्मा को हम जानते हैं, परमात्मा को भी जानते हैं, दोनों को समझते हैं, फिर डायरेक्ट संबंध जोड़ते हैं, है ना। आत्मा परमात्मा से संबंध जोड़ती है, वर्षे के लिए जोड़ती है, सुख के लिए जोड़ती है, शांति के लिए जोड़ती है, अपने घर की याद आती है, अपने घर के जाने के लिए पुकारती है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा परमात्मा से मिलता है। तो आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारा। ओम शांति। इसका अर्थ तो कोई समझ ना सके सिवाय तुम बच्चों के, सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि परम पिता परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म क्षेत्र तो है नहीं। स्थूल बाबा ने कहा देह, देह नहीं है ना, और सूक्ष्म भी नहीं है। तो सूक्ष्म है देवताएं, वह तो सिर्फ 3 है, उनसे भी अति सूक्ष्म है परमात्मा। स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है परमात्मा। अब हे परमपिता परमात्मा, यह कौन कहते हैं? आत्मा। परमपिता परमात्मा को परमात्मा कहते हैं, आत्मा को आत्मा कहते हैं। तो लौकिक बाप को आत्मा परमपिता नहीं कह सकती है। जब पार लौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है। जब
आत्मा देह से न्यारी खुद को आत्मा समझती है, उसे देही कहते हैं, है ना। देह से न्यारी खुद को, देह के भान में नहीं आना, मतलब मेरापन खत्म हो जाना, मैं उसकी हूँ, है ना। भक्ति में भी कहते हैं ना, सब माँ की कृपा है, सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की चाहना है, जो हो रहा है, कई कई दुख में सुख में सब में भगवान को याद करते हैं। दुख भी है तो भी ठीक, सुख है तो भी ठीक, हम जैसे हैं सब कृपा है, ऐसे कहते हैं। लेकिन यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जब हम देह से न्यारे खुद को समझते हैं ना, तभी हम परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, है ना, बाबा कहते हैं जब पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है। जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा याद आ जाता है, वह फिर है आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाबा। वह अब आए हुए हैं। आत्मा बुद्धि से जानती है, आत्मा में बुद्धि है ना, तो परमपिता परमात्मा जरूर पारलौकिक पिता चेहरा, उनको ईश्वर कहा जाता है। अब बाबा ने यह प्रश्नावली बनाई है, इस पर तुम बच्चों को समझाने में सहज होगा। जैसे फॉर्म भराया जाता है वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हो। जरूर जो प्रश्न पूछते हैं वह नॉलेजफुल हैं तो जरूर टीचर ही ठहरा। बाबा क्या कहते हैं, जिससे हम प्रश्न पूछते हैं तो वो नॉलेजफुल होगा, टीचर है, है ना, टीचर ही ठहरा। आत्मा ही शरीर धारण करती है और ऑर्गेन्स से समझाती है, तो बच्चों को सहज कर समझाने के लिए यह बनाया गया है। परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए। भल किसमें ज्ञान बहुत अच्छा हो, योग भी अच्छा हो, परंतु साथ साथ चलन भी अच्छी चाहिए, तीनों चाहिए। दैवी चलन उनकी होगी जिनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत नहीं होगा। यह बड़े बड़े भूत हैं, तुम बच्चों में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। हम हैं भूत निकालने वाले, वह अशुद्ध आत्माएं जो भटकती हैं उन्हें भूत कहा जाता है ना। अच्छा, बाबा ने ये भूत के बारे में भी बताया है, क्या प्रेत आत्माएं ये भूत जो होते हैं घोष्ट सचमुच होते हैं? तो बाबा ने कहा कि हाँ, उसका कारण है जब किसी की अकाल मृत्यु होती है या किसी दुर्घटना बस वो शरीर छोड़ती है आत्मा, या बहुत कष्टों में कोई किसी के द्वारा उसे कष्ट मिल रहा है और वो जब बहुत कष्टों से जाती है सडनली, तो वो जब जाती है ना तो उसके लिए या होलसेल मौतें होती हैं, जब इकट्ठे में शरीर मच्छरों के माफिक छूटते हैं, जैसे अब मान लीजिए कि कोविड के टाइम ही छूटे होंगे, तो उस टाइम पे बाबा कहते हैं यूं तो जो नियम है वो है कि जब आप शरीर छोड़ती है आत्मा, तो आत्मा छोड़ती है वैसे ही आत्मा जाकर के एक दूसरे गर्भ में, माँ के गर्भ में जाकर के पांचवें छठे महीने में, चौथे पांचवें महीने में जाकर गर्भ में आत्मा शरीर ले लेती है। उसके लिए वो शरीर तैयार बैठा रहता है, लेकिन जो होलसेल में होती हैं मौतें उस समय पर शरीर तैयार नहीं होते हैं, तो कुछ एक समय तक आत्मा भटकती रहती है क्योंकि उसे दूसरा शरीर तैयार नहीं हुआ होता है पहले से। तो इस तरह से जब वो आत्मा भटकती है तो वो किसी के भी शरीर को अपना शरीर समझ लेती है, और वो आत्मा क्या करती है, किसी भी शरीर को अपना समझकर उसमें प्रवेश कर लेती है, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं अशुद्ध आत्माएं जो भटकती हैं उन्हें भूत कहा जाता है। उस भूत को निकालने वाले भी उस्ताद होते हैं, है ना, लौकिक में पढ़ाई या जो भी जिस तरीके से भी उन्होंने जो सीखा है उसके थ्रू फिर उस्ताद होते हैं, वो निकालते हैं। यह जो पांच विकारों रूपी भूत है, यह तो परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई निकाल ना सके। सर्व के भूतों को निकालने वाला एक है, सर्व की सदगति करने वाला एक है, रावण से लिबरेट कराने वाला एक है। यह है बड़े भूत। कौन है बड़े भूत? पांच विकार, रावण रूपी विकार। तो यह है बड़े भूत, कहा भी जाता है इसमें क्रोध का भूत है, इसमें मोह का और अशुद्ध अहंकार का भूत है। सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला लिबरेटर परमपिता परमात्मा एक ही है। तुम जानते हो इस समय सबसे पावरफुल ये क्रिश्चियन लोग हैं, उनकी अंग्रेजी भाषा के अक्षर भी बहुत अच्छे हैं। आप कभी गॉड के ऊपर में निकालना,
गूगल पे या कहीं भी आप सर्च करना गॉड के ऊपर में, तो इतने अर्थ से भरी हुई वो लाइन होती है, बहुत शॉर्ट में, एक लाइन में ना जाने कितना अर्थ छुपा हुआ होता है। लेकिन बाबा कहते फिर भी ड्रामा की नोंद जो है ना, उनके द्वारा थोड़े ना विश्व में शांति आएगी, उनके धर्म के द्वारा या वो कितने भी पावरफुल हों, लेकिन पावरफुल तो परमात्मा आकर के जो विकारों को निकालते हैं, उन्हीं आत्माओं को बनाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो ना इस समय पावरफुल कौन है, उनके अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं, जो राजाएं होते हैं वह अपनी भाषा चलाते हैं, देवताओं की भाषा कोई जानते नहीं, हमारी बच्चियां आगे सब कुछ आकर बतलाती थी, दो चार दिन ध्यान में रहती थी, जब बाबा कहते अब कोई बुद्धिमान संदेशी हो जो वहां की भाषा देख कर सुनाए कि कौन सी भाषा है। तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ, भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान है, पूज्य से पुजारी बने हैं, भारत में देवताओं के चित्र बहुत अच्छे हैं, अंधश्रद्धा से पूछते हैं, बायोग्राफी को नहीं जानते, बायोग्राफी को जानते नहीं है कि कौन हम हैं, हम कहाँ से आए, परमात्मा की बायोग्राफी, अपने खुद के पिता की बायोग्राफी नहीं जानते हैं, हम सब एक्टर्स हैं तो ड्रामा के डायरेक्टर आदि का मालूम होना चाहिए, इसलिए प्रश्नावली बनाई है। पोप को भी लिखना चाहिए, तुम फॉलोअर्स को कह रहे हो यह विनाश की चीजें बंद करो, फिर तुम्हारा यह सब मानते क्यों नहीं, तुम तो सबके गुरु हो, तुम्हारी तो बहुत महिमा है, फिर भी यह मानते क्यों नहीं है, कारण तुम नहीं जानते हो तो हम आपको बताते हैं। तो बाबा कहते मानना चाहिए, क्यों नहीं मानते, कारण तुम नहीं जानते हो तो हम आपको बताते हैं, यह कोई तुम्हारी मत पर नहीं है, यह ईश्वरीय मत पर बना रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही है, नॉलेजफुल गॉड है, वह गुप्त है। जरूर बाबा कहते हैं उनकी सेना उनकी मत पर चलने वाली होगी, अब इस संसार में जो कुछ भी है ना, चाहे आज ये गैजेट्स हैं, चाहे ये दुनिया भर में लोग ना जाने क्या क्या बना रहे हैं और ना जाने कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र भी बाहुबल और ये सब बन रहा है ना, कि कैसे दुनिया को खत्म करना है, कैसे दुश्मनी बना रहे हैं, तो ये सब भी बाबा कहते हैं यदि ये सब नहीं होगा तो एक की स्थापना करने के लिए इतना सब कुछ तो खत्म करना ही होगा ना। तो देखिए हर बात में कल्याण है और आप चाहें या ना चाहें वो तो होना ही है, लेकिन परमात्मा की मत से सब कुछ है, चाहे फिर वो ये कहना चाहिए बाबा कहते ना कि जो भी साइंस साइड से भी जो बना है सब कुछ। अब देखिए फ्लाइट भी 14,000 किलोमीटर की दूरी कुछ एक घंटों में तय कर लेती है ना, 1400 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में, एक घंटे में, और यही यदि 45 मिनट की दूरी पर यदि प्लेन क्रैश हो जाता है तो उसमें बैठे पैसेंजर्स एक भी बचने की बिल्कुल उम्मीद टोटली नहीं रहती है, बिल्कुल एकदम सब खत्म हो जाते हैं, तो उसके प्रॉफिट हैं तो फिर उसके डिसएडवांटेज भी तो हैं, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं ये सब जो भी आने वाले समय में है भी, तो बाबा कहते हैं कि ऐसा ऐसा समय आएगा कि आपके पास में जो लाखों रुपए भी होंगे आप चाहेंगे भी लेकिन आप अपने जगह पर स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कारण है उसके बहुत सारे। बाबा कहते हैं कि ये सब जो विनाश की सामग्री तैयार हुई है तो वो भी अपना दिमाग लगाते हैं कि विनाश कहाँ शुरू करना है, कहाँ से शुरुआत करते हैं, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या हो, जहाँ ऐसी जगह ऐसे प्लेसेस में डालते हैं, जैसे आप जहाँ सफ़र की चीज़ें हैं, जैसे आप जिधर दूसरे देश में जा सकते हो, दूसरे स्थान पर कुछ कर सकते हो, ऐसे प्लेसेस में सबसे पहले वो डिस्ट्रॉय करते हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा विनाश लीला शुरू होती है, जहाँ पब्लिक प्लेस होते हैं तो बड़े बड़े असेंबली में डालते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं आने वाले समय में होगा कि एयरपोर्ट वगैरह ऐसे होंगे कि वहीं सबसे ज्यादा अटैक्स होंगे, तो फिर आप जाएंगे कैसे। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को मेरे साथ में जोड़ करके रखो तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दुनिया में कितना भी भूख से अकाल पड़ा होगा,
फसलों में कुछ नहीं होगा, किसान भूखे रहेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में निकलना चाहिए, उस समय बाबा कहते भल मैं तुमको भोजन 36 तरह का नहीं दे पाऊंगा, लेकिन दाल रोटी से तुम्हारे को मैं पूरा करूंगा, ये मेरा पक्का और सच्चा वादा है। मैं ईश्वर हूँ, मैं कोई आम मनुष्य आत्मा नहीं हूँ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये सब जो भी हुआ है मेरी मत से है ना, ऐसे नहीं कि वो जो भी धर्म वाले या जो बनाते हैं उनकी मत है, उनका दिमाग है, नहीं, ईश्वर के मत से सब कुछ है। तो बाबा कहते लेकिन नॉलेजफुल जो गॉड है तो वो भी क्या कहते गुप्त है, जरूर उनकी सेना उनकी मत पर चलने वाली होगी, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं है, इसलिए स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। जैसे इंजन ठंडी होती है ना, होती है तो उसे तेज करने के लिए कोयले डालते हैं ना, तो यह भी ज्ञान के कोयले हैं। परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा है, सब उनको सलाम करने आएंगे। पोप को भी सब पावरफुल समझते हैं, पोप को जितना मान देते हैं उतना और किसी को नहीं देते, बाप को जानते नहीं इसलिए नहीं देते, वह तो है गुप्त, उनको सिर्फ बच्चे ही जानते हैं और मर्तबा देते हैं। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिगार्ड रखने नहीं देते हैं, बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। यह नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता है। हम बाबा से डबल सिर ताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे, यह है सपूत बच्चों का नशा। परंतु बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काम क्रोध लोभ का भूत आ जाता है, बाबा मुरली चलाते हैं तो अंदर आता है कि अभी तक हमारे में काम का हल्का नशा है। अगर एक तरफ मजबूत है तो कुछ हो नहीं सकता, कहाँ स्त्री मजबूत रहती है कहाँ पुरुष, है ना, चल रहा है, मुरली सुनते हैं, बाबा के ज्ञान में है, तो ये आए दिन आपके मन में प्रश्न आते भी हैं और रियलिटी भी है। तो बाबा के पास सब किस्म के समाचार आते हैं, कोई सच्ची दिल से लिखते हैं, अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए, कोई बाहर के सच्चे अंदर के झूठे। तूफान बहुतों को आता है, लिखते हैं बाबा आज मेरे को काम का तूफान आया परंतु बच गया। अगर नहीं लिखते तो एक दंड दूसरा आदत पड़ जाती है ना, क्योंकि झूठ बोलने से एक के लिए एक छुपाओ तो हजारों बोलने पड़ते हैं, और एक ही बार में आप सच बोल दो तो फिर आपको उसके पीछे में और क्रिएशन नहीं होता झूठ का, है ना, तो फिर पाप कम हो जाता है, पाप बढ़ता नहीं है, पाप वहीं खत्म हो जाता है। तो इस तरह से पापा कहते हैं कि अंदर बाहर सफाई चाहिए ना, तो इस तरह कई कई लिख देते हैं, तो दूसरा जो है दंड की आदत नहीं पड़ती, और नहीं लिखते तो फिर बढ़ जाती, आखिर गिर पड़ेंगे। बाबा के बच्चों में उम्मीदें तो रहती है ना, थोड़ी ग्रहचारी होती है तो वह उतर जाती है। कई हैं जो आज अच्छे चल रहे हैं, कल मूर्छित हो जाने जाते हैं, वह गला घुट जाते हैं, जरूर कोई अवज्ञा करते हैं। हर बात में सच्चा रहना चाहिए, तभी सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को पाते नुकसान कर देगी। बच्चों को बड़ी युक्ति से चलना है बाबा कहते हैं, और युक्ति तो बाबा देते हैं, अब आपको समझने की देर है। तो बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखना चाहिए, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात नहीं, वह सर्व का सदगति दाता है, पतित पावन है, गीता का भगवान है, तो जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। अगर यह बात है तो उनकी जीवन कहानी को जानते हो, नहीं जानते तो वर्षा मिल ना सके, पिता से जरूर वर्षा मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछो, प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली को जानते हो, जिसका नाम सरस्वती है, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, है ना, ज्ञान परमात्मा से लेके ज्ञानेश्वरी बनती, फिर वही राजराजेश्वरी बनती है ना, तो राज किसको मिलेगा, जो बाबा कहते हैं एडम बीबी जो बाबा कहते हैं ना बनाए हैं, तो सरस्वती ब्रह्मा बाबा को, तो उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, यह है जगत अम्बा, तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा, नॉलेज देने वाला तो वह ठहरा, अब यह प्रजापिता और जगत अम्बा कौन है। बाबा कहते हैं उनको धन लक्ष्मी भी कहते हैं, तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं है। जब मम्मा बाबा
सरस्वती से लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं ना, तब उस समय बाबा कहते हैं कि उनको ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, क्योंकि उस समय उनके पास में ज्ञान थोड़ी रहता है, वो तो यहाँ ही रह जाता है। तो जब यहाँ है तब ज्ञान होता है, तो बाबा कहते हैं यह है जगत अम्बा, तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से उस समय उन्हें लक्ष्मी के टाइम पे ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, यह ब्रह्मा सरस्वती राजराजेश्वरी बनते हैं, तो उनके बच्चे भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते होंगे। अब यह है संगम कुंभ। उस कुंभ के मेले में देखो क्या होता है, भक्ति मार्ग के अर्थ और इसमें रात दिन का फर्क है, वह है पानी की नदी और सागर का मेला। यह है ह्यूमन गंगाएं जो ज्ञान सागर से निकलती हैं, उनका मेला। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, पतित से पावन बनाने वाला कौन है, यह तो जानने की बातें है ना। तब तो पूछते हैं इस माता पिता के ज्ञान से तुम राजराजेश्वरी बन सकते हो, ईश्वर सर्वव्यापी कहने से मुख क्या मीठा होगा। अभी तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। भक्ति का फल क्या मिलता है? ज्ञान। जिसने जास्ती भक्ति की उसको ज्ञान जरूर मिला है, और ज्ञान से ही फिर वैराग्य होता है भक्ति से, और फिर ज्ञान और भक्ति में फर्क है दिन रात का। ज्ञान मिला तो आप रात से दिन में आ गए, और दिन हुआ तो आप सुखी हो गए, है ना। सुख के जीवन को ही दिन कहा जाता है, और रात दुख के जीवन को, है ना। तो बाबा कहते भक्ति हम दुख में करते हैं, तो ये बस समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं फल तो ज्ञान का भक्ति का मिलता है, अभी भगवान पढ़ाते हैं तो धक्का खाना बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, आत्मा को ज्ञान मिला, अब आत्मा कहती है हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर है प्रारब्ध, राजधानी स्थापन हो जाती है। कितनी समझने की बातें हैं। यह प्रश्नावली बहुत अच्छी है, सबको सबके पॉकेट में पड़ी रहे, सर्विसेबल बच्चे ही इन बातों पर गौर करेंगे बच्चों के लिए। बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बाबा कहते हैं बच्चे अपना भविष्य ऊंच बनाओ, नहीं तो कल्प कल्प पद कम हो जाएगा। जैसे यह बाबा महाराजा महारानी बनते हैं ऐसे बच्चे भी बने, परंतु आप में निश्चय होना चाहिए। राजा में भी बहुत ताकत रहती है, वहां तो है सुख ही सुख, और जो राजा बनते हैं वह भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से राजा के ऑर्डर में सारी प्रजा चलती है। इस समय तो भारतवासियों का कोई राजा नहीं, पंचायती राज है, तो कितने कमजोर बने हैं। यदि आज गवर्नमेंट बन भी गई तो कल यदि गिराना चाहें तो गिरा भी सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट की कोई ताकत की वैल्यू नहीं होती है। डेमोक्रेसी है, जनता का जनता द्वारा जनता चुनाव करती है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, बाबा जानते हैं बहुत बच्चों को तूफान आता है परंतु समाचार नहीं देते। बाबा को लिखना चाहिए कि ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। बाबा किसी न किसी निमित्त के द्वारा आपके जवाब जरूर देते हैं, लेकिन फिर आपको सुनना पड़े ना, तो बाबा परिस्थिति देख राय देते हैं, राय बताएंगे। लिखते नहीं है ना, कोई उनका साथी ही समाचार देते हैं कि बाबा हमारे साथ साथी का यह हाल है। बाबा को तो समाचार देना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास है, 11 जनवरी 69 की क्लास है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, अपना बनाते हैं, राजाई पद के लिए शिक्षा देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं। बाप बड़ा सहज रीति अपना और वर्षे का परिचय समझाते हैं। आप यही समझ नहीं सकेंगे, बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा, यह भी अच्छे बुद्धिमान ही समझेंगे। बाप क्या वर्षा देते हैं? घर का, पढ़ाई का और स्वर्ग की बादशाही का, अपने असली घर का। इस पढ़ाई के द्वारा फिर हमें क्या मिलता है? आदि मध्यंत के ड्रामा का मनुष्य सृष्टि का राज पता चलता है, हमें स्थूल बतन और हमें सूक्ष्म बतन और परम धाम का हमें घर का पता मिलता है, और स्वर्ग की फिर राजाई मिलती है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग का वर्षा मिलता है, घर का पता मिलता है और पढ़ाई मिलती है। तो जो पवित्र दैवी संप्रदाय बनते हैं वही राजधानी में आते हैं। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। इतने बच्चे हैं बाप से वर्षा लेते हैं। बाप स्वर्ग का मालिक
नर से नारायण बनाते हैं। नर से नारायण, नर कौन बनाता है? रावण। नारायण कौन बनाता है? राम। यह राजाई के मालिक हैं। तो बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, हम उनके बच्चे स्वर्ग की बादशाही लेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। जैसा राजा रानी सुख रहेगा वैसे ही प्रजा को भी रहेगा, लेकिन मर्तबे पुरुषार्थ अनुसार होंगे। जो पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, नहीं तो नहीं पढ़े लिखेंगे तो ढोएंगे, क्या करेंगे वहां भरी ढोएंगे ना। जो कम पढ़े लिखे होते हैं वही तो फिर भरी ढोते हैं। हाँ, तो इस तरह से बाबा कहते जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। तो यह राजाई के लिए पुरुषार्थ है। सतयुग की राजाई सभी को नहीं मिलनी है, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ पर प्रारब्ध का मदार रहता है, यह तो बच्चे जानते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे पुरुषार्थ से ही बादशाही मिलती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान प्योर सोना बन जाएंगे। राजाई भी मिलेगी, जैसे यहाँ कहते हैं भारत के हम मालिक हैं, मालिक तो सभी बनेंगे। फिर पद क्या पाएंगे? पढ़ाई के बाद स्वर्ग में हमारा पद क्या रहेगा? तुम अभी संगम पर पढ़ते हो, सतयुग में राजाई करेंगे, बाप को योग भी सिखलाते हैं, पढ़ाते भी हैं। तुम समझते हो हम राजयोग सीखते हैं, बाप की याद से पावन भी बनते हैं। जैसा जो है जिसकी याद में रहोगे वैसा ही बनते जाओगे, संग का रंग चढ़ता है ना। तो फिर हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं, राम राज्य में होगा। आधे कल्प तुम सुखी जीवन में रहेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं मन मन अभव मध्याजी भव। अभी कलियुग का अंत है, फिर सतयुग स्वर्ग जरूर आएगा। बाप संगम पर ही आकर बेहद का स्कूल खोलते हैं, जहाँ बेहद की पढ़ाई है, बेहद की बादशाही पाने लिए। यहाँ बाबा कहते हैं कोई ऐसा नहीं है कि बच्चा बूढ़ा जवान ऐसे कोई है। यहाँ तो जो जब अलौकिक जन्म में आ जाए, अपने आत्मा निश्चय कर ले, उसी दिन उसका अलौकिक जन्म हो जाता है। और वो एक रोज का बच्चा 50 वर्ष का बच्चा भी है, लेकिन जब जिस दिन परमात्मा को जाना उस दिन से उसकी काउंटिंग जन्म की होती है, अलौकिक जन्म की। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं पढ़ सकता, बूढ़ा नहीं पढ़ सकता, जवान। बाबा के लिए तो हर एक आत्मा बाबा का बच्चा ही है। आज एक रोज वाली हो चाहे फिर 25 वर्ष वाली हो, तो वो बाबा की बच्ची आत्मा ही है। तो बाबा कहते इस तरह से जो है परमपिता परमात्मा जो बोलते हैं बेहद की पढ़ाई पढ़ाते, तो बेहद की बादशाही पाने के लिए है ना। तो बाबा कहते इस तरह से ये संगम युग में आकर बाबा यह स्कूल खोलते हैं। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, हमारी चढ़ती है ना। बरोबर पुरानी दुनिया के बाद ही नई दुनिया। बच्चों को याद आता है, सभी बच्चों के दिल में है, स्वर्ग का मालिक बनाने लिए हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बच्चों को ये याद रहे हमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई राजीव गांधी के यूनिवर्सिटी में जहाँ राजीव गांधी पढ़े, जहाँ अमिताभ बच्चन पढ़ा, तो कितना कहना चाहिए नशा रहता है। और कितना उससे कहते हैं कि हम इतनी बड़ी ऊंची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जहाँ से राजीव गांधी पढ़ा, जहाँ से अमिताभ बच्चन पढ़ा। तो बाबा क्या कहते हैं, हम ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जहाँ हमें यूनिवर्स भगवान पढ़ाता है। तो कितना पढ़ाई का नशा रहना चाहिए, ऊंचते ऊंच भगवान हमें पढ़ाते हैं, है ना। कहते भी है ना कि ज्ञान के बिना सदगति नहीं। तो अब कौन सा ज्ञान है? ऊंचते ऊंच बाप का ज्ञान, ऊंचते ऊंच भगवान का ज्ञान। के बिना किसी भी आत्मा की सदगति नहीं, मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं। तो बाबा कहते भगवान के बिना ये कोई कर ना सके। ऊंचते ऊंच सतयुग के राजा। बच्चों को यह याद रहे, बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच सतयुग के राजा रानी बनते हैं। इस पढ़ाई से राजयोग द्वारा राजाई मिलती है, उसमें पवित्रता सुख शांति सब है। जब पवित्रता धारण होती है ना, तो सुख भी आता है, शांति भी आती है, है ना। इस बाबा में अभी शिव बाबा पधारे हैं ब्रह्मा बाप में, तो वह है ऊंचते ऊंच। आत्मानुभव लेती जाती है, वहां जाएंगे तो वहां की बैठक ऊंची होगी। स्टूडेंट सभी की बैठक अपनी अपनी होगी, एक की जगह दूसरा नहीं बैठ सकता।
एक का पार्ट दो से मिल नहीं सकता। बाप ने समझाया है, आत्मा में रिगार्ड भरा हुआ है। ड्रामा के प्लान अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, ये सीडी में जो भरा हुआ है ना, हूबहू चलता है। सीडी बाबा कहते हैं कि बदली नहीं जा सकती, करेक्शन नहीं हो सकता, जो उसमें फीड है वही आएगा, कल्प कल्प रिपीट होता है। ड्रामा के प्लान अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, कोई राजा कोई रानी बनेंगे, अंत में पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी जो फिर माला बनेगी। उच्च नंबर वाले को जरूर मालूम पड़ेगा, मरने के बाद समझा जाता है, आत्मा जाकर कर्मानुसार कर्मानुसार शरीर लेगी। बाबा ने इतना तक बताया है कि जो हमारे शरीर के फीचर्स भी बनते हैं ना, तो वो भी आपके कर्मों के हिसाब से बनते हैं, जैसे जिसके कर्म वैसे फीचर्स बनते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर जन्म शरीर भी वैसा ही मिलेगा, अच्छे कर्म वालों को अच्छा जन्म मिलेगा योग बल से। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो कंपट पाएंगे, ऐसे ऐसे विचार करने से खुशी होगी। जो जैसा महारथी होगा उनकी ऐसी महिमा होगी, सभी की मुरली भी एक जैसी नहीं चलती, हर एक की मुरली भी अलग अलग, यह बनाया खेल है ना। बाबा कहते देखिए है तो एक के द्वारा, एक के मुख से सुनाई मुरली, बाबा ने निमित्त अनेक अनेक चुनी, लेकिन बाबा की मुरली सुनाने का सबका तरीका अलग अलग है, कोई किसी भाषा में, कोई किसी भाषा में, कोई सहज, कोई थोड़ा कठिन, कोई हूबहू रीड कर देते हैं, है ना। जबकि बाबा कहते हैं कि एक एक महावाक्य में कितने करोड़ों आत्माओं के लिए बाबा लिखते हैं, है ना, एक ही आत्मा के लिए तो नहीं लिखते, तो फिर हूबहू पढ़ देते तो फिर समझ में नहीं आता। तो बाबा कहते हैं देखो एक की है लेकिन फिर अलग अलग चलती है, तो इस तरह से ये भी ड्रामा है। अभी बच्चों का कर्मों पर ध्यान है, बाप या माँ जैसे करेंगे बच्चे सीखेंगे। अभी तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो, सर्विस से मालूम पड़ता है, महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रहती, समझ सकते हैं कौन ऊंच पद पाने की मेहनत कर रहे हैं। सभी बच्चों को चांस भी है ऊंच पद पाने के लिए, मन मना भव का लेसन अर्थ सहित मिला हुआ है, बच्चे समझते हैं, यह गीता का ज्ञान नॉलेज फुल बाप को दा कर देते हैं, तो नॉलेज ही लेंगे। फिर मदार है धारणा पर, जो सुनते हो वह प्रैक्टिकल में आते रहे, डिफिकल्ट नहीं है बाप को याद करना और चक्र को जानना, यह है अंतिम जन्म की पढ़ाई, जो पास करके नई दुनिया सतयुग में चले जाएंगे। गायन है निश्चय में विजय। तो प्रीत बुद्धि बच्चों ने समझा है, हमको भगवान पढ़ाते हैं, बच्चे जानते हैं, हमारी आत्मा धारणा करती है, आत्मा इस शरीर द्वारा बढ़ती है, नौकरी करती है, यह समझने की बातें हैं। बाप को याद करते हैं, फिर माया रावण बुद्धि का योग तोड़ देती है, माया से सावधान रहना है, जितना आगे जाएंगे उतना तुम्हारा प्रभाव भी निकलेगा और खुशी का पारा भी चढ़ेगा, नया जन्म लेंगे तो बहुत शोक करेंगे। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद कर और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अंदर बाहर साफ रहना है, सच्ची दिल से बाप को अपना समाचार देना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरा, अब वापस जाना है, इसलिए शरीरी बनने का अभ्यास करना है, चुप रहना है। यदि आप शरीर के अभ्यास में रहेंगे तो आपको इस दुनिया से जाने में बहुत तकलीफ होगी, इसलिए बाबा कहते हैं कि वो मत करो जिसमें तुमको दुख हो, कष्ट हो, तकलीफ हो। मैं अपने बच्चों को तकलीफ में, दुख में देखता हूँ तो मुझसे सहन नहीं होता, मुझे भी दुख होता है, इसीलिए बाप बार बार कहते हैं। वरदान है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। यह विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं है, यह विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं है, बाप को दे दिया। पहला संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा, इसमें बाप का फायदा नहीं, आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो, मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं, हल्का रहने में ही मजा है, हल्का लाइट
है ना, लाइट बनेंगे तब तो फिर चमकेंगे, लाइट बनेंगे हल्के होंगे, है ना, तभी तो लाइट माना हल्का होता है ना, तो लाइट बन करके उड़ना है हल्के हो करके, पंछी हल्का ही रहता है ना तो उड़ पाता है। पंख कब लगेंगे आपके, जब आप इन सब बातों में उलझे नहीं रहेंगे शरीर के संबंधों में, है ना। अच्छा, स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव ना डाल सके। शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव ना डाल सके। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार। ओम शांति।